अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो हलाल है या हराम? अक्सर लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अक्सर लोग फ्यूचर ट्रेडिंग को हराम मानते हैं। क्यों हराम मानते हैं? इन पांच चीज़ों की वजह से फ्यूचर ट्रेडिंग को जो है वो लोग हराम मानते हैं। तो एक एक करके सबको जो है वो डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो हलाल है या हराम है। सबसे पहले आते हैं फंडिंग फ़ी पे। अक्सर लोगों को लगता है कि बाइनेंस या कोई भी प्लेटफॉर्म जब हमें लिवरेज प्रोवाइड करता है या जब हमें लोन दे देता है, तो उस लोन के बदले में जो है कुछ टाइम तक, 2 घंटे या 3 घंटे बाद जो है हमसे फंडिंग फ़ी की सूरत में इंटरेस्ट चार्ज करता है उस लिवरेज के पैसों पे, ठीक है। तो ये फंडिंग मतलब इंटरेस्ट जो है वो हराम है इस्लाम में, तो फ्यूचर ट्रेडिंग भी हराम है। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि फंडिंग फ़ी जो है वो आपसे, आपको जो लिवरेज एक्सचेंज ने दिया होता है, तो उस लिवरेज के बदले में आपसे फंडिंग फ़ी चार्ज नहीं होती और ये इंटरेस्ट में नहीं आता। फंडिंग फ़ी जो है वो आपसे इसलिए चार्ज होती है क्योंकि जो लॉन्ग एंड शॉर्ट सेलर्स की वजह से जो है प्राइस में जब गैप आ जाता है, मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि स्पॉट में कॉइन की प्राइस जो है वो या तो ज़्यादा होती है, फ्यूचर में कम होती है, फ्यूचर में ज़्यादा होती है, स्पॉट में कम होती है, तो इस प्राइस के बीच जो डिफरेंस आ जाता है, तो इस डिफरेंस को जो है वो बैलेंस करने के लिए आपसे फंडिंग फ़ी जो है वो चार्ज होती है। अभी फंडिंग फ़ी के ज़रिए से जो है प्राइस को जो है वो कैसे बैलेंस किया जाता है, तो वो इस हवाले से बात नहीं करेंगे, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। बट फंडिंग फ़ी जो है वो आपसे लिवरेज के बदले में जो है वो चार्ज नहीं होती और ना ही एक्सचेंज के पास जाती है, ठीक है। अगर आप लिवरेज ना भी लें, 1x की लिवरेज से कोई ट्रेड ओपन करें, तब भी आपसे फंडिंग फ़ी जो है वो चार्ज होगी। तो ये तो सवाल पैदा नहीं होता कि फंडिंग फ़ी जो है आपसे लिवरेज के बदले में कोई इंटरेस्ट की सूरत में चार्ज होती है। अभी आते हैं गैम्बलिंग पे। अक्सर लोगों को लगता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में जो है वो ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं लोगों के, तो ये गैम्बलिंग में आता है, जुआ है, सट्टा है, तो इस वजह से फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो हराम है। तो सबसे पहले तो मैं गैम्बलिंग को डिफाइन कर लेता हूँ आप लोगों को, गैम्बलिंग क्या चीज़ है। गैम्बलिंग में देखिए, जिस चीज़ में 50% रिस्क हो ना, मतलब 50% जीतने के और 50% हारने के चांसेस हो, तो वो चीज़ गैम्बलिंग की कैटेगरी में आ जाती है। लाइक आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जिसमें 50-50 चांस होते हैं, या तो आप जीत जाते हैं या आप हार जाते हैं, तो वो चीज़ गैम्बलिंग की जो है वो कैटेगरी में शामिल हो जाती है। बट फ्यूचर ट्रेडिंग में जो है रिस्क रेशो जो है वो टोटली आपके कंट्रोल में होता है। आप 1% भी रिस्क ले सकते हो, 2% भी ले सकते हो, 5% भी ले सकते हो। अगर हाँ, अगर आप 50% रिस्क लेते हो या आप जो है 100% मार्जिन लगा लेते हो और आप जो है ज़्यादा लिवरेज ले लेते हो, तो फिर वो गैम्बलिंग की कैटेगरी में आ जाता है। बट अगर आप कम रिस्क लेते हो, ठीक है, तो वो गैम्बलिंग की कैटेगरी में नहीं आता। रिस्क इसमें टोटली आपके कंट्रोल में होता है, तो गैम्बलिंग का तो सवाल पैदा नहीं होता कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो गैम्बलिंग में आता है, ठीक है। अभी आते हैं कब्जे पे। अक्सर लोग ये कहते हैं कि फ्यूचर स्पॉट में जो है हमारे पास कॉइन का कब्ज़ा होता है, हम जब चाहे जिस एक्सचेंज पे चाहे अपने कॉइन को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कॉइन हमारी मलकियत में होता है। बट फ्यूचर ट्रेडिंग में जो है कॉइन हमारी मलकियत में नहीं होता, हमारे पास उसका कब्ज़ा नहीं होता, ठीक है, तो बस हवा में हम बाय और सेल करते हैं। तो मैं उन लोगों को ये बता दूं कि फ्यूचर ट्रेडिंग में जब आप किसी कॉइन को फॉर एग्जांपल बाय करते हैं, ठीक है, लॉन्ग करते हैं किसी कॉइन को, तो उस कॉइन को आप 100% ओन नहीं करते, ठीक है, उसमें आपने लिवरेज के साथ बाय किया होता है ना, तो आधे पैसे आपके होते हैं, आधे पैसे लिवरेज के होते हैं जो कि एक्सचेंज ने आपको दिया होता है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप लिवरेज के साथ जो है एक कॉइन को बाय कर लें और फिर उसको जो है वो ट्रांसफ़र करके किसी दूसरे एक्सचेंज पर ले जाएँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उसमें लिवरेज का हिस्सा भी होता है, तो इस वजह से जो है आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप लिवरेज ना भी लें और फिर भी किसी कॉइन को जो है बाय करें, अगर लिवरेज ना भी लें फिर भी किसी कॉइन को जो है आप बाय करते हैं, तो उसमें भी, उस सूरत में भी जो है आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। आई डू एग्री कि उस सूरत में भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बाइनेंस फ्यूचर्स के टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ लें तो उसमें से ये है कि आप बाइनेंस फ्यूचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो मतलब बाइनेंस फ्यूचर में जब आप किसी कॉइन को बाय और शॉर्ट करते हैं, बाय और सेल करते हैं, तो उसमें से आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मॉल्स बनते हैं, जो बड़े बड़े प्लाजे बनते हैं, तो इसमें से अक्सर लोग जो है वो शॉप ले लेते हैं, ठीक है, मतलब एक दुकान ले लेते हैं, दुकान की फुल प्राइस जो है वो पे कर देते हैं। बट फिर भी उस एग्रीमेंट में ये होता है कि हम दुकान हमने आपको दे दिया, बट दुकान की प्रॉपर्टी जो है हमने आपको नहीं दी, वो रियल ओनर के नाम पे ही होती है, ठीक है। आपके पास सिर्फ ये इख्तियार आ जाता है कि आप उस दुकान में अपना बिज़नेस जो है वो चला सकते हैं, या अगर अपना बिज़नेस आप नहीं करना चाहते तो किसी को रेंट पे दे सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी के रेंट पे किसी को दे सकते हैं, ठीक है। बट आप उस दुकान की प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकती, ये उस कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो शामिल होता है। सेम लाइक बाइनेंस फ्यूचर का भी अपना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें तो आपको जो है वो समझ आ जाएगी।
हाँ अगर आप जो है वो लेवरेज नहीं लेते और कॉइन को मतलब बाय करते हैं, ठीक है, तो आपकी लिक्विडेशन जो है वो ज़ीरो होती है, तो आप जब तक चाहे उसको होल्ड रख सकते हैं, तो वो उस सूरत में आपके पास जो है वो हिसाब का कब्जा आ जाता है। अभी आते हैं शॉर्ट सेलिंग की तरफ पे। अक्सर लोग कहते हैं कि सर बाइंग बाई की तो समझ आती है, हम कॉइन को लो प्राइस पे बाय करें हाई प्राइस पे सेल करें, बट शॉर्ट की समझ नहीं आती। शॉर्ट में जो है हम तो प्राइस को गैस करते हैं, प्राइस पे शर्त लगाते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ये बैटिंग में आते हैं, इस वजह से जो है फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो हराम है। तो शॉर्ट सेलिंग को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के, शॉर्ट सेलिंग जो है वो कैसे काम करती है। और हाँ शॉर्ट सेलिंग जो है ये इसमें आप शर्त नहीं लगाते और ना ये बैटिंग में आता है, ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल जो है वो देना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप किसी से कुछ लोन पैसे ले लेते हैं या कोई चीज़ लोन ले लेते हो, उसे बोलते हो कि मैं ये चीज़ तुमसे ले रहा हूँ, कुछ टाइम तक मैं रिटर्न कर दूँगा, तो इसमें कोई हराम चीज़ है नहीं, है ना, ये तो अलाउ है किसी से लोन लेना है, किसी से कोई चीज़ लेना कुछ टाइम के लिए फिर उसको रिटर्न कर देना। तो शॉर्ट सेलिंग में बिल्कुल ये ऐसा ही होता है, ठीक है। लॉन्ग के केस में तो आपको लगता है ना कि फॉर एग्जांपल प्राइस ऊपर जाएगी तो आप बाय कर लेते हो, प्राइस जब ऊपर चली जाती है तो आप सेल कर लेते हो। अभी शॉर्ट के केस में आपको क्या लगता है, शॉर्ट के केस में फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि कुछ टाइम तक मार्केट ने नीचे आना है, मतलब मार्केट गिरेगी, ठीक है, तो अब तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकते ना, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि प्राइस नीचे आएगी, क्योंकि आप बाय करेंगे तो आपका तो नुकसान हो जाएगा अगर मार्केट गिर गई, तो आप क्या करते हैं, आप बाइनेंस के पास जाते हैं, ठीक है, बाइनेंस के पास आप जाते हैं। बाइनेंस को कहते हैं कि मुझे एक बिटकॉइन जो है वो दे दो, और फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $100 कंसिडर कर लें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। आप बाइनेंस को कहते हो कि मुझे एक बिटकॉइन दे दो, एज अ लोन मुझे दे दो, मैं तुमसे बाई नहीं कर रहा, मुझे एज अ लोन दे दो, कुछ टाइम तक मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की प्राइस $100 चल रही है, तो आप जो है बाइनेंस को $100 दे दोगे एज ए गारंटी, एज ए जमानत के तौर पे दे दोगे कि ये अपने पास रख लो, मैं तुम्हारा बिटकॉइन जब रिटर्न करूँगा तो तुम मेरे पैसे मुझे वापस कर देना। बाइनेंस कहता है ठीक है, आप बाइनेंस से जो है वो एक बिटकॉइन ले लेते हो और बाहर जाके उसको $100 में सेल कर देते हो। अभी आप इस इंतज़ार में बैठे हो कि चलो जब प्राइस डिक्रीज़ होगी तो मैं इसको लो प्राइस पे बाय करूँगा, और फॉर एग्जांपल 2 दिन बाद प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो गई, 50% बिटकॉइन की प्राइस गिर गई, पहले $100 का था बिटकॉइन, अभी जो है 2 दिन बाद $50 पे आ गया। तो 2 दिन पहले तो आपने $100 का ऑलरेडी सेल कर लिया था ना बाइनेंस से लेके, तो अभी आपके पास ऑलरेडी $100 है, और अभी बिटकॉइन की प्राइस 50% डिक्रीज़ भी हो गई, तो आप $50 का एक बिटकॉइन ले लेते हो और बाइनेंस के पास जाते हो और बाइनेंस को कहते हो कि ये लो जी आपका अपना एक बिटकॉइन और मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। तो बाइनेंस कहता है ठीक है, बाइनेंस आपसे अपना बिटकॉइन ले लेगा और आपने जो पैसे रखवाए थे एज ए गारंटी के तौर पर उसके साथ, तो वो पैसे आपको दे देगा बाइनेंस, ठीक है, बाइनेंस आपको दे देगा। तो आपके पास $100 वो आ गए जो आपने बाइनेंस के पास रखवाए थे, और $50 का आपके पास मार्जिन बच गया, तो जो $50 बच गई है आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सेम लाइक अगर आप प्राइस ऊपर चली जाती है, ठीक है, आपने 2 दिन पहले फॉर एग्जांपल बाइनेंस से बिटकॉइन लेके $100 का सेल कर लिया था बाहर किसी और को, और 2 दिन बाद बिटकॉइन की प्राइस जो है $50 जो है वो इंक्रीज़ हो गई, मतलब 50% बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज़ हो गई, $150 पे चली गई, तो अभी तो आपने बाइनेंस से जो बिटकॉइन लिया था उसको तो रिटर्न करना है ना, तो मजबूरन आपको $150 में जो है उसको बाय करना पड़ेगा। तो आप $150 का बिटकॉइन बाय करेंगे, बाइनेंस के पास जाएंगे, बाइनेंस को बोलेंगे ये लो अपना बिटकॉइन, मुझे मेरे $100 दे दो, तो आपको अपने $100 दे देगा, बट आपने तो बिटकॉइन 150 का ख़रीदा था, तो $50 जो है आपका जो है वो लॉस हो गया, मतलब बाइनेंस ने आपको $100 दिए ना जो आपने उसके पास रखवाए थे, और आपने बाहर जो है वो $150 का जो है वो लिया है मजबूरन, तो वो $50 जो एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो गया ना, तो वो आपका लॉस हो गया। तो देखें शॉर्ट सेलिंग इस तरह काम करती है, ना कि इसमें आप जो है शर्त लगाते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इसमें आप लोन ले लेते हो, ठीक है, एक्सचेंज से या किसी से भी लोन ले लेते हो, मतलब एक एसेट या कोई बिटकॉइन या कोई भी कुछ भी चीज़ कंसिडर कर लें, उसको आप एज अ लोन ले लेते हो, उसको सेल कर देते हो, और फिर जो है जब प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है उसको लो प्राइस पे जो है उसी अमाउंट में बाय कर लेते हो और फिर उसको रिटर्न कर देते हो, और बीच में जो मार्जिन होता है प्राइस डिफरेंस की वजह से, तो उस मार्जिन से आप अपना प्रॉफिट निकाल लेते हो। तो शॉर्ट सेलिंग जो है वो इस तरह काम करती है। आई होप आपको अभी शॉर्ट सेलिंग की जो है वो समझ आ चुकी होगी। फतवा जो है वो क्या होता है, फतवा ये होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि सर फलां मौलवी ने फतवा दिया कि फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है, ठीक है, या इस मौलवी ने फतवा दिया, तो फतवे के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि देखिए एक ही मसला होगा, अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा एक ही मसला होता है, उस पर एक मौलवी ने हराम का फतवा दिया होता है, दूसरे ने हलाल का फतवा दिया होता है, तो अभी ये तो नहीं है कि एक मुफ्ती ठीक कह रहा है दूसरा गलत कह रहा है,
दोनों ठीक होते हैं, दोनों मुफ्ती हजरात अपनी जगह ठीक होते हैं, बट उनको बताने वाला सही और गलत होता है। ठीक है, अभी अगर मैं एक मुफ्ती के पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि एक प्लेटफॉर्म है बाइनेंस और वो लोगों को लोन देता है, लिवरेज लेता है, ठीक है, और उस लिवरेज के बदले में कुछ टाइम बाद जो है वो फंडिंग फ़ी की सूरत में इंटरेस्ट चार्ज करता है, कुछ पैसे चार्ज करता है, तो जाहिर सी बात है वो आपको बोल देगा कि ये तो सूद में आता है, ये हराम है। या चले आप किसी मुफ्ती के पास भी ना जाएं, आप किसी आम बंदे को भी बोलेंगे तो वो भी आपको समझा देगा कि ये सूद में आता है, ये हराम है। ठीक है, बट अगर आप उसको अच्छे से समझाएंगे कि फंडिंग फ़ी सूद नहीं है, मतलब ये इस तरह होता है कि ये एक्सचेंज के पास जाता ही नहीं है, ये तो लॉन्ग एंड शॉर्ट सेलर की वजह से जब प्राइस में गैप आ जाते हैं तो उस गैप को बैलेंस करने के लिए फंडिंग फ़ी चार्ज होती है, और ये लॉन्ग एंड जो शॉर्ट सेलर होते हैं उनको एक दूसरे मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट सेलर के पास जो है वो जाती रहती है, कभी लॉन्ग की तरफ लॉन्ग सेलर को मिलती है, कभी शॉर्ट सेलर को मिलती है, एक्सचेंज के पास तो ये जाती नहीं है, तो आपको बोलेगा कि हाँ ये ठीक है। ठीक है, तो आई होप जो है अभी आपको फ्यूचर ट्रेडिंग की समझ आ चुकी होगी कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो क्या होती है, कैसे वर्क करती है। मैंने अच्छे से एक एक पॉइंट को जो है वो एक्सप्लेन किया, फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, किसी पॉइंट में कंफ्यूज है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो मैं फर्दर जो है वो आप कोशिश करूँगा कि आपकी जो कंफ्यूजन है उसको जो है वो दूर करूँ। ठीक है।